यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और अब वक्त है देश की आवाज का। हर तरह के मुद्दों को लेकर इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो सियासत से जुड़ा हो, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो। कोशिश रहती है कि उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बात की जाए जिस पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो देश की आवाम क्या कुछ सोच रही है वो बहुत मायने रखती है। अब हमारे स्वास्थ्य से और जिंदगी में जो रोजमर्रा की चीज़ें हमारे सामने आती हैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। दरअसल फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट में जो सब्जी बनी थी पनीर की, उसमें एक मरा हुआ चूहा मिला और उसका मामला सामने आया है। जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेस्टोरेंट में जाकर सैंपल लिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है और साथ ही खाद्य पदार्थों में कीड़े मिलने का भी मामला सामने आया है, जबकि रेस्टोरेंट के मालिक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कि इस पर भी आप बात करें और इस तरह की चीज़ों पर भी नज़र रखने की कोशिश सभी की तरफ से होनी चाहिए, कि जो चूहा मिला है पनीर की सब्ज़ी में और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है, लोग यहाँ के एकदम परेशान हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग खाने जाते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि खाद्य विभाग जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कई चीज़ों में कमी पाई गई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं होटल के मालिक, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, क्या आपके इलाके में भी क्या ऐसी तरह की कोई समस्या है? और कई बार ऐसा होता है कि लोग शिकायत नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो होटल संचालक होते हैं, रेस्टोरेंटों के मालिक होते हैं, कि जानबूझकर उनको परेशान करने की इस तरह से कोशिश की जाती है खाद्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की रंजिश निकालने की भी कोशिश की जाती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मानकों को ध्यान में न रखते हुए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इससे आप किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या कुछ लगता है? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सवाल है। हम अक्सर बाहर खाना खाते हैं कई बार, और जो लोग बाहर रह रहे हैं वो तो बाहर ही खाना खाते हैं, जो कहीं दूसरे शहरों में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम अपने शहरों में भी परिवार के साथ खाने पीने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इसी तरह से होटलों में, क्योंकि बहुत दावे किए जाते हैं होटलों की तरफ से, उनकी तरफ से अपने जायके को लेकर, स्वाद को लेकर, लेकिन क्या जायका और स्वाद के साथ वो स्वस्थ खाना परोस पाते हैं, साफ सुथरा खाना परोस पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के बाद से इस होटल मालिक के लिए परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल गई हैं, कीड़े मिले हैं। वहीं होटल मालिक का कहना है कि ये सब कुछ बेबुनियाद बातें हैं, हम अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत अहम ये मामला है। अब इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक होटल जहां लोग खाना खाने के लिए आते हैं, एक रेस्टोरेंट, और जब इस तरह से उस पर सवाल खड़े होते हैं तो उनकी साख को बट्टा लगता है, लेकिन दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो ये भी बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ों को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं होटल मालिक? अक्सर उनको गाइडलाइंस दिए जाते हैं, मानक तय किए जाते हैं रेस्टोरेंट के, होटल के खाने पीने की चीज़ों को लेकर, क्या वो पूरा कर पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कई बार कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि इस तरह की हरकतें करके उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश रची जाती है, लेकिन यहाँ पर मरा हुआ चूहा मिलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है होटल के खाने में। अब आप जाहिर सी बात है कि आप खुद चौंक जाएंगे और कहीं अगर बाहर खाना खाने जाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर सोचना विचारना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग कभी ना कभी बाहर खाना खाने जाते हैं, खाते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ये परेशान करने वाली होती हैं। तो जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए हमारे साथ,
क्या इस तरह के जो वायरल वीडियो होते हैं उनसे कितना इत्तेफाक रख पाते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, और क्या वक्त पर वो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं? जो भी आपकी राय है, जुड़िए हमारे साथ। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बलदेव जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, होटल मालिक बड़े बड़े वो होते हैं, जिनके ज्यादा वो होते हैं, रसूख होते हैं, जैसे ये अब भी साफ जाहिर है, अभी नया आप उस होटल का नाम बता रहे, नया शहर का बता रहे भी, ये कहाँ से? फरीदाबाद का है सर, ये मामला फरीदाबाद का है, और वीडियो में नजर आ रहा होगा होटल का, ये फरीदाबाद का मामला है। फरीदाबाद का साथ में होटल का भी नाम देना चाहिए जी। होटल का नाम दिख तो रहा है ना, ये होटल का नाम देखिए आप, साफ दिख रहा है इसमें आपके, उसमें होटल का नाम भी बड़े अक्षरों में, शहनाई, मैंने पढ़ा भी था पहले, शहनाई रेस्टोरेंट जी। तो ये भी जरूरी होता है ताकि लोगों को पता लगे, कम से कम उस शहर के लोगों को जरूर पता लगे बिल्कुल इस होटल में क्या हो रहा है। पर कारण ये है कि न तो अखबार वाले और न ही पुलिस वाले उनको जाहिर ही नहीं करते ऐसे कामों में, उसका नाम गुमनाम दे देते हैं। कारण कि उनके पास पैसे वाले हैं या ऊपर से राजनीतिज्ञों के इनके फोन आ जाते हैं, इनको कुछ नहीं करना। अच्छा। तो जब तक कानून का सही इस्तेमाल नहीं होगा ऐसे ही आपसे होते रहेंगे, करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फरीदाबाद का ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम शहनाई है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वीडियो में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जो हम दिखा रहे हैं सवाल के ऊपर, आप देख रहे हैं एक फ़ोटो। और खाद्य विभाग की तरफ से अब सैंपल लिए गए हैं और ये कहा गया है कि कुछ और भी जगहों पर दिक्कतें हैं, कीड़े वगैरह मिले हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है? आर के कालिया साहब हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कहिए आर के कालिया साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार आर के कालिया जी, कहिए। देखिए अगर ये सही है तो होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई साजिश है तो जिसने साजिश किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए और दूसरी बात, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। दुकानदार देखिए अपना सामान बेचता है, दुकानदार को केवल अपने सामान बेचने से मतलब है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर ऐसे ही बन चुका है, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा जी। और अगर ऐसी बात है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जितना बड़ा डिपार्टमेंट है, देखिए फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, ऑक्साइजन टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके एक्शन होना चाहिए और खुद जागरूक होना पड़ेगा जी। गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, खाली हाथ लौट आए हर दुकान से हम। बहुत शुक्रिया कालिया साहब हमारे साथ जुड़े। चंद्र प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी। हाँ कुरैशी जी नमस्ते। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, कहिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि निजी चैनलों द्वारा जो समस्या उठाई जाती है, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उनका निदान प्राय कर मैंने देखा है, क्योंकि देश में लगभग 17 न्यूज चैनल ऐसे हैं जो दर्शकों को अपनी आम राय रखने का मौका देते हैं, उनमें से आपका भी एक चैनल है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विगत दिनों में रेलवे की लापरवाही दिखाई गई थी जी। कि शौचालय के पानी से खाना बनाया जा रहा था, जिसे रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत सीरियसली लिया और उस पेंट्री कार के मैनेजर को तो हटाया ही हटाया, उस ठेकेदार का भी काम खत्म कर दिया। मतलब वो पेंट्री कार अप और डाउन चार गाड़ियां चलती है, जिसमें वो पेंट्री कार लेके चलते हैं, उसके ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जैसे कई भाई कहते हैं कि भाई चैनल वाले मुद्दा दिखा करके परे हट जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो चैनल दिखाता है वास्तविकता दिखाता है और तथ्य और सबूत के साथ दिखाता है, तभी कार्रवाई होती है। और इसमें मैं देख रहा हूँ जो ये प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसके दायित्व का निर्वहन करेंगे और इस होटल के प्रति पूर्ण रूप से कार्रवाई करके जो भी न्याय संगत बात होगी उसको वो मूर्त रूप देंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, देखिए इस सवाल से हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई है, चाहे वो सियासत की बात हो, ये हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मामला। किसी भी होटल में हम जगह जगह पूरे देश भर में रेस्टोरेंट हैं, कभी कभी बहुत नामी नामी रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं, तो ये सोचने की बात है और उन लोगों के लिए को भी आगाह करने के लिए जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, होटल संचालक हैं, कि देखिए विश्वास करते हैं लोग आप पर,
बहुत उम्मीदों के साथ, खुशियों के मौक़ों पर या किसी ख़ास मौके पर वो आपके पास खाना खाने आते हैं, या फिर ज़रूरत है इंसान को खाने की तो तब वो आपके पास आते हैं उम्मीद के साथ कि अच्छा खाना मिलेगा, आप पैसे ले रहे हैं, तो कम से कम विश्वासघात मत कीजिए। और फिर दूसरी बात यह भी है कि अपने स्टाफ को भी इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा रहने के लिए कहिए कि आंखें गड़ा कर रखिए, कहीं किसी तरह की शिकायत ना जाए। पृथ्वीराज जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पृथ्वीराज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। पृथ्वीराज साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, रतनलाल जी हैं इस वक्त हमारे साथ। रतनलाल जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। हाँ जी जी कहिए। ये जो जी तालाबखोरी का जो धंधा है, हाँ, ये स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत का रिजल्ट है। हाँ, चाहे मामला फरीदाबाद का हो चाहे गुड़गांव का हो, बगैर हेल्थ डिपार्टमेंट की मिली भगत के क्या कारण है त्योहार के टाइम में, दिवाली का टाइम में ये लोग सैंपल लेते हैं और बीच में लोगों की हेल्थ को वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ गुरुग्राम में 90% लोग मोल का ड्रमों का दूध पीते हैं, आज तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने किसी का सैंपल ले लिया। इसी प्रकार सदर बाजार में चाहे मसाले कितने मिक्स के मिलो, हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल कोई सैंपल लेने की गुरेज नहीं कर रहा। और जब त्योहार का टाइम आता है इनको मंथली जिन लोगों को नहीं मिलती जिनसे मंथली, सिर्फ उनके त्योहार का टाइम पर सैंपल लेते हैं ये। क्या 12 के 12 में ना हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे सदर बाजार हो चाहे ड्रमों का दूध हो, 12 महीने लगातार कंसर्न CMO की जिम्मेवारी है कि नागरिक को स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिले और वो सैंपल का अपना अभियान हमेशा जारी रखे। लेकिन होता क्या है, जिन लोगों के यहाँ मंथली पहुंचती है लाखों करोड़ों में, इसलिए लोग सैंपल नहीं लेते, जबकि इनकी सीधी जिम्मेवारी है। और जब त्योहार का सीजन आता है क्या कारण है दिवाली के टाइम पर जब ये लोग ये सैंपल लेते, क्या बाकी टाइम में इनकी जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। त्योहार के वक्त में थोड़ा सा तेज तर्रार अपना अंदाज दिखाया जाता है और कई बार वहां भी बहुत से लेन देन करने के बाद चीजें सामने आती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश चहल हमारे साथ हैं कैथल से, स्वागत है आपका सुरेश चहल जी। चलिए लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सुरेंद्र जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। हाँ जी बेसिकली सर, बेसिकली मार्केट बहुत बड़ा होता है, सैंपलिंग का स्टाफ कम होता है, तो इस वजह से भी ही सारे प्रोडक्ट चेक नहीं हो पाते, तो ये थोड़ा सा देखने वाला सिस्टम होता है कि इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आए जी और स्टाफ को और बढ़ाया जाए जी। जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फरीदाबाद से ही थे और भी लोग, ये फरीदाबाद के रेस्टोरेंट थे। देखिए एक रेस्टोरेंट बहुत सारी जगहों पर है, हर शहर के अंदर हैं, अच्छे अच्छे दावे किए जाते हैं। अब आप भी अपना ख्याल रखिए। शामली से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विवेक जी स्वागत है आपका। विवेक साहब आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। विजय चौबे जी हमारे एक और दर्शक हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका विजय जी। विजय साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? सीके जी, सीके जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। बहुत शुक्रिया आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं और जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, हमारे नंबर और ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, ये कोई सियासत का धर्म का नहीं, हमारी जिंदगियों का, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वीराज जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये जैसे मानो ये बड़े बड़े चैनल है जितने भी है आज तक जो भी है, ये मतलब कि राजनेताओं की बातें दिखाते हैं। ये कुछ चैनल है जैसे आपके खबरें, सभी चैनल के हर इंसान की खबर, जो नीचे स्तर से इंसान है ना उसकी भी खबरें दिखाता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम जब हमारा नाम आपके चैनल पे आते हैं हम तो अपना आपको बड़ा गर्व ही नहीं, हमारे बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं। तो ये क्या एक आप ही का चैनल है? रही बात अब इस खबर की फरीदाबाद वाली सर, तो ये जो लोग हैं ये मतलब कि राजनीतिक संरक्षण पाया होता है लोगों ने, क्योंकि इनके पास बड़ी पहुंचे होती है, एक दूसरे जुड़े होते हैं, MLA MP से इनका संपर्क होता है। आपने दिखाई कार्रवाई हो गएगी,
अन्यथा इसके अलावा देखिए ना, सीएम सिटी करनाल के अंदर जो पुल अपना कैथल रोड पुल के नजदीक है, वहां पर ऑलरेडी 6-7 दुकानें सभी के सभी मरे हुए मुर्गों बेचते हैं जी। और इतना सड़ा हुआ मीट होता है जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गे फेंक दिए जाते हैं ना बाहर खेतों के अंदर, उनको वो उठाकर वो लोग यहाँ भी बेचते हैं, उनके पकौड़े तले जाते हैं और फिर उसका मीट जो और दुकानें जो होटल है ना करनाल के अंदर उन पर सप्लाई करते हैं, मगर उनके खिलाफ आवाज उठाए कौन? अगर अखबार वाले भी हैं या मीडिया वाले भी हैं तो वो भी शायद मेरे हिसाब से कि उनके संपर्क में या उन तक बात पहुंचती ना हो, शायद पहुंचती ना हो मेरे हिसाब से। नहीं तो जैसे आपका चैनल है ऐसी खबरें दिखाते हैं, तो अगर सर, ये करनाल में आप देखो ना सीएम सिटी में, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप संपर्क में। चलिए कभी मौका लगेगा पृथ्वीराज जी तो जरूर उस पर भी नजर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह कि चैनल्स की अपनी, देखिए सब अपनी मीडिया की हम बात करें, देखिए हर चैनल अपनी कोशिश करता है अपने अपने तरीके से, जो भी उनकी प्राथमिकताएं होती हैं उस तरह से खबर दिखाता है। हमारी कोशिश, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हम इस प्रोग्राम में और अपने जैसे भी हमारी खबर होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल देखने में बहुत आम सा लग रहा हो कि यार नॉर्मल सी बात है, होटल्स में उस रेस्टोरेंट्स में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये सोचने की बात है। ये उन खाद्य विभाग के लोगों को भी, रेस्टोरेंट के संचालकों को भी और हम आम लोगों को भी, कि हम बाहर जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है कि किस तरह से आप त्योहारों के टाइम पर तो दिखाते हैं कि हम बहुत जागरूक हैं और हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जब चीज़ें लगातार चलती रहती हैं तो आप भूल जाते हैं। चंद्रकेश यादव जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो सर जी, नमस्कार, कहिए। अरे मैं एक कह रहा हूँ सर जी, ऐसे आप लोग खबर जो दिखा रहे हैं, अच्छी खबर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी खबर। मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ जी। चंद्रकेश जी कहिए। ऐसी व्यवस्था जो है सर, होटल मालिकों की जो व्यवस्था है सर गलत है सर जी, एकदम जो है। बताइए खाने में जो है ऐसा मिलावट, कहीं चूहा मर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये जानलेवा एक प्रकार की बीमारी फैलेगी और जहर पॉइजन हो जाएगा। बिल्कुल, हो तो होटल मालिकों के लिए जो ऐसा दंडित किया जाना चाहिए कि ऐसा काम ना होने पाए जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। और ये सवाल मिलावट के ऊपर भी ध्यान गया कि मिलावट को लेकर अगर हमारे खाद्य विभाग वाले आंखें खोल लें, दिखा दें कि हाँ देखिए हम फिक्र करते हैं लोगों की, ये फिक्र नहीं करते हैं, अक्सर देखा है कि फिक्र नहीं करते हैं, ये जबरदस्ती के कुछ काम कर देते हैं। जब इन्हें कुछ दिखाना होता है, कुछ नंबर लिखने होते हैं अपनी डायरी में, अपनी किताब में, तो तब ये दिखाते हैं, कई बार लोगों को बेवजह परेशान भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब होली दिवाली और जो फेस्टिवल होते हैं उसको छोड़ करके 350 दिन जो है इनका उगाई का काम होता है, 10-15 दिन सिर्फ ये कुछ केस बना करके शो कर देते हैं। आप देखिए खाद्य नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड विभाग की बात है, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग की बात है, चाहे फूड सेफ्टी एंड सैनिटरी की बात है, FSSI की जल्दी मोरें लगी होती हैं खाने पीने के सामान में। मिलावट की तो हद होगी है सर, ये तो मिठाइयों में ही जहर नहीं है बल्कि हर चीज में जहर, और यहाँ तक कि अगर जहर भी खाया जाए तो मुझे लगता है कि सुबह आदमी फ्रेश होकर निकले। और सब्जी, मीट, अंडे, मसाले, तेल, कौन सी चीज है जिसमें की मिलावट नहीं है सर? और ये जिस देश को अपंगू कर रहे हैं, ये इस देश को विकलांग किया जा रहा है इस तरह से। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। योगेश जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है योगेश जी। नमस्कार जी कृषि साहब। नमस्कार योगेश जी, कहिए जी। सर आपने अभी एक छोटी सी बात कही कि भी हम अपने मुद्दे दिखाते हैं, लेकिन आप मुद्दे दुनिया से, पब्लिक से जो रिलेटिव होते हैं वो दिखाते हैं कि भी लोगों को जागरूकता हो, लेकिन दूसरे चैनल ये दिखाते हैं कि भी कुछ भी हो, चलो उस चीज को छोड़ो। जैसे अभी आपने ये बताया पर इसमें कि भी ये हो रहा है फरीदाबाद में मिलते हैं, सर आपको भी पता है और हमें भी पता है कि भी जो ये होते हैं होटल होते हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं जिनमें ये सब्जी आती है, या जैसे हम कहते हैं टोमेटो सूप भी आते हैं, ये पुरानी चीजें होते हैं, जैसे कई दिन के टमाटर पड़े होते हैं या सब्जी पड़ी होती है, उन गली सड़ी होती है, उनको लेके आते हैं ताकि उनको सस्ते भाव में मिले, और वो आके यहाँ पे काम करते हैं। और हमारा विभाग होता है जैसे वो सोया ही रहता है, छोटी दुकानों पे तो लगा देंगे बड़ा बड़ा जुर्माना, लेकिन जो बड़ी दुकानें होती है उन पे छोटा लगा देंगे। और एक सबसे बड़ी बात आपने थोड़े दिन पहले ही दिखाई थी एक अखबार में कि भी बच्चे जी। योगेश जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, कुछ छोटे होते हैं, दुकान और पकवान में बड़ा फ़र्क होता है।
तो खाद्य विभाग को भी और हमें भी और जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कम से कम इस चीज़ में कि आप पैसा ले रहे हो लोगों से और आप लोगों के पैसे के बदले उनको खाना दे रहे हैं, तो वहाँ क्यों आप किसी तरह का घालमेल कर रहे हैं, क्यों किसी तरह की मिलावट कर रहे हैं? खाद्य विभाग, मैंने पहले कहा था कि अक्सर इन पर आरोप लगते हैं इस विभाग पर कि ये बेवजह भी परेशान करते हैं और कई बार ठीक से कार्रवाई भी करते हैं, त्योहारों के वक्त में जाग जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ सारी की सारी जो मिलावटें हैं वो त्योहारों के टाइम पर ही होती हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं करता, सब ईमानदार हो जाते हैं। तो कम से कम लोगों की सेहत के लिए जो आप टैक्स भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, चीज़ों का पैसा भी ले रहे हैं, उस तरफ ध्यान दें थोड़ा सा। बाकी आप देख रहे हैं कि इस होटल संचालक पर और इस होटल पर, इस रेस्टोरेंट पर किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन हाँ, इस तरह की खबरों से दूसरों को भी चौंकन्ना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।